मध्य प्रदेश में लगातार बारिश बनी मुसीबत, अगले 3-4 दिन तक बारिश की चेतावनी, भोपाल में आज बंद रहेंगे स्कूल। मंडला जिले में रिकॉर्ड 134 मिलीमीटर बारिश, घरों और दुकानों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सीहोर में पार्वती नदी उफान पर, पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। लहरों के बीच फंस गया एक बेजुबान, तेज धारा के साथ बह जाने की आई तस्वीर। मध्य प्रदेश के दमोह में पानी पानी हो गया, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग में छत से टपक रहा है पानी। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाढ़ के बीच फंसा परिवार, होमगार्ड के जवानों ने किया रेस्क्यू। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बना बरगी बांध, पानी से लबालब खोले गए 21 गेट। नर्मदा तट पर बने नाग मंदिर में भरा पानी, लगातार बारिश की वजह से आज स्कूल में छुट्टी। भुवनेश्वर में जबरदस्त बारिश, पूरा शहर हुआ पानी पानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश, सुकमा मलकानगिरी की सड़क पर ट्रैफिक बंद। विदिशा में लगातार बारिश, जिला अस्पताल और रेलवे पटरियों पर भरा पानी। राजस्थान के उदयपुर में नदी में अचानक आए पानी में फंसा शख्स, एक पत्थर पर मिला सहारा। बिना किसी रेस्क्यू टीम ने गांव वालों ने उसे बचाया, 1.5 घंटे में किनारे तक पहुंचा युवक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 24 घंटे से लगातार बारिश, माचागोरा बांध के सभी 8 गेट खुले, तालाब का पानी घरों में घुसा। दिल्ली में जल बोर्ड के कामकाज के बाद धसी सड़क, यहां फंसे ट्रक को निकालने में लगे 3 घंटे। बिहार के बक्सर में ट्रैफिक नियम पालन को लेकर युवक ने पुलिस से किए सवाल, जवाब में पुलिस वालों की दबंग गई। युवक को घसीटते हुए पुलिस ले गई थाने, पिता ने कहा क्या कानून सबके लिए अलग। नए मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत फंसे सांसद रामकृपाल यादव के बेटे, काला शीशा और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कटा चालान। यूपी के बरेली में दोगुने जुर्माने के नियम का पुलिस वालों पर असर नहीं, बिना हेलमेट लगाए दिखे। राजस्थान के झुंझुनू में पिकअप वैन ने 3 महिलाओं को मारी टक्कर, 2 की मौत। अलीगढ़ में गणपति महोत्सव के दौरान हंगामा, चप्पल उतारने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने। डीजे पर भजन कार्यक्रम के दौरान बवाल, 1 घंटे तक पत्थरबाजी, 6 लोग घायल। यूपी के देवरिया में बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप जब्त, एक कंटेनर से धरी गई 68 लाख की 850 पेटी शराब। राजस्थान के धौलपुर में गुटों में पथराव, रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद, खूनी झड़प में बदला। पंजाब के अमृतसर में धरा गया बाइक चोर गिरोह, चोरी की 10 बाइक के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। मथुरा में ट्रिपल तलाक पीड़िता ने खाया जहर, हालत गंभीर। यूपी पुलिस का एक और चेहरा, आजमगढ़ में स्कूली बच्चों की झाड़ू लगाते फोटो खींचने वाले पत्रकार को भेजा गया जेल। मुंबई में हाईवे पर बने गड्ढे में गिरा बाइक सवार दंपत्ति, आई चोटें। दमदम में मछली बाजार में लगी आग, मचा हड़कंप। चुरू में राणासर के वीर सपूत शहीद असलम खान हुए सुपुर्दे खाक, कश्मीर के दादरवाल में ऑपरेशन रक्षक में विशेष सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए थे शहीद। आंध्रदेश के कर्नूल में एक समुदाय का जुलूस रोकने पर बवाल, पुलिस के साथ झड़प। भीड़ ने पुलिस वालों पर की पत्थरबाजी, गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। दिल्ली के मयूर विहार में 10 दिन से लापता छात्र का कोई सुराग नहीं, जंतर मंतर पर दोस्तों और परिवार वालों का प्रदर्शन। यूपी के महाराजगंज में अतिक्रमण हटाने के अभियान में मची लूट, टूटी इमारतों के सरिये को लूटने की होड़। महाराष्ट्र के बुलढाणा में जंगल मिले 60 कुत्तों के शव, जहर देकर मारने की आशंका। श्रीनगर के कई इलाकों में फिर कर्फ्यू लागू, लाल चौक पर सुरक्षा सख्त। मुहर्रम के जुलूस को लेकर एहतियातन सख्ती, घाटी में इस बार जुलूस निकालने की नहीं इजाजत। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक घाटी में लैंडलाइन सेवा पूरी तरह बहाल, जम्मू लद्दाख और कुपवाड़ा में मोबाइल सेवा शुरू। आज पुष्कर में चल रही है संघ की समन्वय बैठक का आखिरी दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण। संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले का भी संबोधन, राम मंदिर और कश्मीर के मुद्दे पर देंगे जानकारी। कल सम्मेलन में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे शामिल, अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने को लेकर दी जानकारी। अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन, आज नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक में होंगे शामिल, कामाख्या मंदिर जाकर पूजा करने का कार्यक्रम। अमित शाह ने कहा कि देश में नहीं रहेगा कोई घुसपैठिया, बोले समय पर एनआरसी का काम हुआ पूरा। फरीदाबाद पुलिस के हेड कांस्टेबल प्रदीप की हत्या, प्रधानमंत्री की रैली के लिए ड्यूटी देने आए थे रोहतक। रोहतक के पास एक गांव में मिला कांस्टेबल प्रदीप का शव, शराब की बोतलें और ईंट से जानलेवा हमला। बिहार के राघोपुर दियारा में गोलीबारी, 2 की मौत, जमीनी विवाद की आशंका। उड़ीसा के गंजाम में मंदिर की मूर्ति चुराने के आरोप में एक शख्स की पिटाई, जूते की माला पहनाकर कराई गई परेड। असम के सिलचर में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, फर्जी नोट और पासपोर्ट और 6 मोबाइल जब्त। प्रयागराज में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट पे मंदी को बताया वजह, भ्रष्टाचार के लिए चिदम्बरम को बताया जिम्मेदार।
दो दिन पहले असम से प्रयागराज आए थे विजन दास, गायब बेटे के लिए पीएम से मदद की गुहार। आजमगढ़ में घाघरा नदी में नहाने गए बच्चे हादसे का शिकार, तीन बच्चों की डूबने से मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों के झगड़े को लेकर मारपीट और पथराव, छह लोग घायल। बिहार के बगहा में बच्चा चोरी के शक में हिंसा, नशा मुक्ति केंद्र से आए लोगों की पिटाई। राजस्थान के कोटा में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे मुख्य अतिथि। मणिपुर में पहली से आठवीं क्लास के बच्चों को हर शनिवार बस्ते से मिलेगी राहत, कराई जाएगी दूसरी गतिविधियां। गाजियाबाद में दो दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री वीके सिंह रहे मौजूद। मध्यप्रदेश के मुरैना में वीआईपी बंगले में घुसने वाले बकरे को पुलिस ने पकड़ा, रात भर रखा हिरासत में। मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बढ़ी बाघों की संख्या, जंगल में अब है 52 बाघ। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप के 14वें अधिवेशन को करेंगे संबोधित, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और बढ़ते रेगिस्तान पर चिंतन। करीब 80 देशों के मंत्री, वैज्ञानिक और स्वयंसेवी संस्थाएं सम्मेलन में शामिल, ग्रेटर नोएडा के इंडिया मार्ट एंड एक्सपो में आयोजन। मोदी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरे होने के आयोजन में आज भी कार्यक्रम, 17 केंद्रीय मंत्री पूरे देश में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई में मीडिया को संबोधित करेंगे नितिन गडकरी, ममता दीदी के गढ़ में बोलेंगी स्मृति ईरानी। 100 दिन पूरे होने पर अवैसी का ट्वीट, 38 दिन में कश्मीरियों के बुरे हालात, बंदी जीएसटी और एनआरसी को लेकर सरकार को बताया नाकाम। आज रामपुर के दौरे पर आ रहे हैं अखिलेश यादव, आजम खान के परिवार से करेंगे मुलाकात। अखिलेश यादव के साथ रहेंगे कई पार्टी कार्यकर्ता, बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी। आजम खान के खिलाफ अब तक 81 से ज्यादा मामले, अवैध कब्जे के साथ बिजली चोरी, भैंस चोरी का भी मामला। कांग्रेस नेता संजय झा ने अपने कांग्रेसी साथियों को लगाया गाना, हौसला बनाए रखने का संदेश। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे के आज पांचवें दिन फिर पूछताछ, स्टर्लिंग बायोटेक घोटाले को लेकर सवाल जवाब। कल भी 8 घंटे तक फेडरल से हुई थी पूछताछ, सदेसरा बंधुओं के रिश्ते को लेकर सवाल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीजेपी विधायक रामलाल ठाकुर और प्रवक्ता रणधीर शर्मा के बीच अनबन, जनमंच कार्यक्रम के दौरान विवाद। कल्याण सिंह एक बार फिर बीजेपी की रणनीति में होंगे सक्रिय, आज समर्थकों के साथ लेंगे सदस्यता। आज राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे कलराज मिश्र, राजभवन में दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार के साथ किया पूजा अर्चना। अपने परिवार के साथ बिग बी पहुंचे लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। भोपाल में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं गणपति के भक्त, उनके पास 800 से ज्यादा मूर्तियों का है संग्रह। मुंबई में बर्फ से बने गणपति, पंडाल का तापमान रखा जाता है 0 से 10 डिग्री नीचे। औरंगाबाद में पर्यावरण बचाने के लिए अनोखा ऑफर, 11 से ज्यादा पेड़ों की देखभाल पर चांदी के उस्तरे से मुफ्त हजामत, खबर वायरल। इंदौर में गणपति पूजा के साथ नेत्रदान अभियान, शहर में निकाली गई साइकिल रैली। प्रयागराज में मुहर्रम के दौरान दिखी देशभक्ति अलम के जुलूस में शान से लहराया तिरंगा। मुरादाबाद नगर निगम पर 18 करोड़ का जुर्माना, रामगंगा में गिरने वाले नालों को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई। 8वें लद्दाख मैराथन की तैयारियां, 26 देशों के 5500 प्रतियोगी हो रहे हैं शामिल। नए टूरिस्ट सीजन में सफर पर निकली पैलेस ऑन व्हील्स, पहुंची जैसलमेर, यात्रियों का राजस्थानी रीति रिवाज से किया गया भव्य स्वागत।